हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम एंटरटेनमेंट पे। आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे भिंडी और आलू की तरी वाली सब्जी बनाने के बारे में। चलिए बताते हैं कि इस सब्जी को हमें बनाना कैसे है। सबसे पहले हमने तेल को डाल दिया है कढ़ाई में और भिंडी को कट कर लिया है। अब भिंडी को हम कढ़ाई में डाल देंगे फ्राई होने के लिए, ताकि हमारी जो भिंडी है वो चिपचिपी सी ना दिखे हमारी सब्जी में। इसे हम फ्राई करेंगे। भिंडी की मात्रा आधा किलो है हमारे, थोड़ा थोड़ा तक डालते हुए हम फ्राई करेंगे। सारा एक साथ डाल के फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालने से अच्छे से फ्राई हो जाएगा और समय भी कम लगेगा। जो आपको हमारी कढ़ाई में रेड कलर की दिख रही है वो रेड वाली भिंडी है। दोनों को मिक्स करके हम बना रहे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि खराब है। फुल फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है। देखिए भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए सिमटी सिमटी सी दिख रही है। अब हमें भिंडी को निकाल लेना है और जो बची हुई भिंडी है उसे भी इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। दोबारा भी इसी तरीके से हमें भिंडी को फ्राई करना है, मतलब जो आधा किलो हमने ली है भिंडी, सारी भिंडी को हमें फ्राई करना है इसी तरीके से। फ्राई करते समय गैस का फ्लेम कम रखिएगा। देखिए सारी भिंडी फ्राई हो चुकी हैं। आप भी इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी भिंडी करके डाल के ही फ्राई करिएगा। बचे हुए तेल में ही हम सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे एक चम्मच पंचफोड़न बचे हुए तेल में। देखिए पंचफोड़न हमारा चटकने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी प्याज बारीक कट की हुई। बड़े साइज की दो प्याज को हमने कट किया था, इसकी टोटल मात्रा एक कटोरी है। अब इसे हमें गोल्डन होने तक भूनना है। इसमें और भी चीजें हम डालेंगे इसके स्वाद को और भी अधिक बढ़ाने के लिए, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। प्याज हमारे हल्के गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था, उसकी टोटल मात्रा आधा कटोरी हुई है। इसे हम इसमें डाल दें। तो आप भी इसी तरीके से पेस्ट बना के जब आपकी प्याज हल्का गोल्डन हो जाए उसके बाद में डाल दीजिएगा। इस पेस्ट को डालने के बाद में फुल फ्लेम पे हमें 2 मिनट तक इसे भूनना है लगातार चलाते हुए। 2 मिनट तक हमने इसे फुल फ्लेम पे भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले का पेस्ट। मसाले को हमने इस तरह से बनाया हुआ है। इस पेस्ट को तैयार करने के लिए हमें 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया था। इसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के 10 मिनट के लिए रख दिया था सेट होने के लिए। अब फिर से इसे हमें भूनना है। अब हमें अच्छे से इसे फ्राई करना है ताकि मसाले में कच्चापन ना रहे। पेस्ट डालने के बाद फिर से हमने 2 मिनट तक फुल फ्लेम पे इसे भूना है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। प्यूरी डालने के बाद में फिर इसे भूनना है। मसाले को हम फुल फ्लेम पे ही भूनते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो बार बार चलाने में तो आप मीडियम फ्लेम पे भी भून सकते हैं, लेकिन मसाले भूनने अच्छे चाहिए। फुल फ्लेम पे भूने या मीडियम फ्लेम पे, वो आपकी चॉइस है। अब फिर से लगातार चलाते हुए इसे हमें भूनना है टोटल 10 मिनट के लिए। 10 मिनट मसाले को भूनने के बाद में अब इसमें हम आलू को डाल देंगे। 4 बड़े साइज के आलू को हमने कट किया है। आलू को इसमें हम डाल देंगे। इस समय हमारे जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम है। 1/2 किलो भिंडी के लिए हमने 4 बड़े साइज के आलू को कट किया है। अब इसे डालने के बाद में आलू को डालने के बाद में मसाले में अच्छे से चलाएंगे मीडियम फ्लेम पे।
चलाने के बाद में इसमें हम नमक स्वादानुसार डाल देंगे। अब इसमें हम नमक स्वादानुसार डालेंगे। आलू डालने के बाद में अच्छे से चलाएंगे ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे किसी चीज़ से कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि भाप बाहर ना निकले। ये देखिए, एक हमने ढका था, अब हमने खोल लिया है। मीडियम फ्लेम पे गैस का फ्लेम था हमारा। अब इसमें हम भिंडी को डाल देंगे। हमारे जो आलू हैं अब पके हो चुके हैं, मतलब आधा पके हैं आधा कच्चे हैं। अब इसमें हम फ्राई की हुई भिंडी को डाल देंगे। भिंडी की मात्रा आधा किलो है, ये चीज़ आपको पता है पहले से ही। अच्छे से चलाएंगे ताकि भिंडी में भी अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। अब इसमें हम आधा लीटर पानी को डाल देंगे। आधा लीटर पानी इसमें ऐड कर रहे हैं हम। इसके बाद में अच्छे से चलाएंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए दोस्तों, तैयार है हमारी सब्जी ना, और चिपचिपी भी नहीं दिख रही है। भिंडी भी हमारी अलग अलग सी दिख रही है। आप भी इस तरह से बनाकर जरूर खाइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और सब्जी को खाने के लिए दे सकते हैं। आप भी इस तरह से ट्राई करिएगा।